हेलो गेमर्स, क्या हाल हैं? कैसे हो? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप पबजी मोबाइल के अंदर बन सकते हो इंसेक्ट। इंसेक्ट बोले तो यार, आप मक्खी वगैरह कैसे बन सकते हो, उड़ सकते हो यार पबजी मोबाइल के अंदर। तो गाइस हुआ क्या है ना, आज के दिन यार पबजी मोबाइल ने एक नया मोड लॉन्च कर दिया यार। अभी आप जाके ना इसको डाउनलोड कर सकते हो और इरेंगल मैप में आप इसको खेल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस मोड का नाम है ट्रांसवर्स इंसेक्टॉय। ठीक है, इस मोड के अंदर बेसिकली कैसे आपको यहाँ पे इंसेक्ट बनना होता है। तो गाइस जल्दी से मैं मैच मेकिंग कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली क्या करना है आपको। ठीक है, तो गाइस मैं एरोप्लेन में आ चुका हूँ। अभी बेसिकली जस्ट आपको करना क्या है, मैप ओपन करना है और यहाँ पे आपको कुछ लोकेशन में कुछ बॉक्सेस देखने को मिल रहे होंगे ब्लू कलर के। आपको जस्ट ये जो बॉक्सेस हैं इनको लैब कहते हैं। आप किसी भी लैब में चले जाओ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो सबसे आपके दूर होगी ना लैब उधर ही जाना, क्योंकि अगर आप पास वाली लैब में चले जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉस्पॉच हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे अभी आपको क्या करना है इस लैब के अंदर, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को एक लोकेशन यहाँ पे कुछ बना हुआ है डब्बा सा, इधर आपको चले जाना है और आपको ट्रांसवर्स कर लेना है। ठीक है, जैसे आप ये चीज़ ओपन करोगे तो गाइस आपको अपने फ़ोन को हिलाना वगैरह नहीं, अगर आप फ़ोन को हिलाते वगैरह हो तो यहाँ पे मतलब मक्खी नहीं बनेगी। ठीक है आपकी, तो अभी मेरी मक्खी बन चुकी है। तो जैसे मक्खी बनेंगी तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, सो गाइस यहाँ पे आपको कुछ लाइट शो हो रही है ना, यहाँ पे आपको ये जो ग्लोइंग लाइट है इनको जाके ले लेना। बेसिकली इनको हम लुमिनेटर कहते हैं। ठीक है, लुमिनेटर्स को आपको ले लेना जाके। अब जितने भी लुमिनेटर आप लोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, बेसिकली आप बहुत सारी चीज़ें इसे खरीद सकते हो और खरीदने के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हो, मतलब मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। और अगर आपको ना जल्दी जल्दी ये जो लाइट्स हैं आपको चाहिए रहेंगी तो क्या करना है आपको, जस्ट यहाँ पे आप टिप देख सकते हो, आपको यहाँ पे जो भी प्लेयर रहेगा जो भी एनिमी रहेगा उसके ऊपर जो लाइट रहेगी ना उसको जैसे ही लोगे तो आपका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, उसके पास बिल्कुल खड़े मत रहना नहीं तो वो आपको मार भी सकता है। ठीक है, लुमिनेटर बेसिकली करते गए ये मैं अभी आपको बताता हूँ जल्दी से। सबसे पहले तो मैं अपना जो इंसेक्ट जो मक्खी बन पड़ा हूँ अभी जल्दी से इसको ट्रांसफॉर्मेशन करके अपनी रियल बॉडी में चले जाता हूँ। अभी मैं अपनी रियल बॉडी में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ लुमिनेटर कलेक्टर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जिधर जाके आप एकदम से लूट वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे जितने ज़्यादा आपके पास लाइट रहेंगे, जितने ज़्यादा आपके पास लाइट होंगे ना उतनी ज़्यादा आप लूट यहाँ पे कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा यहाँ पे ATM से बने हुए हैं, बेसिकली जस्ट यहाँ पे जाके आप लूट वगैरह यहाँ से निकाल सकते हो। तो कुछ भी यहाँ पे परचेज कर सकते हो आप, 8x 4x 3x कुछ भी। ठीक है, तो ग्रोजा तक यहाँ पे आप परचेज कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा ओपी चीज़ है। सो गाइस अब मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करने के बाद ना आपका दिल ही खुश होने वाला है पूरी तरह। और यार इसको यूज़ करने के बाद ना आप हैकर बनने वाले हो यार, मेरे को जहाँ तक लगता है यार, एकदम से ऐसी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखो, सबसे पहले तो आपको इसके लिए मक्खी बनना पड़ेगा। अभी जल्दी से मैं मक्खी बन जाता हूँ और यहाँ पे ना मक्खी बनने के बाद यहाँ पे जो होल देखने को मिल रहा है ना वॉर्म होल करके, सो गाइस यहाँ पे आपको रुकना है, एक ऑप्शन शो होगा ट्रांसपोर्ट करके, आपको जैसे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक और ऑप्शन खुल के आ चुका है, टेलीपोर्ट एनी डेस्टिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी लैब देखने को मिल रहे हैं आप किसी भी लैब में जा सकते हो, बस आपको लिमिनेटर पॉइंट यूज करने हैं। और एकदम से जैसे यहाँ पे जो ये मक्खी चल रही है नीचे की तरफ जैसे कंप्लीट हो जाएगी वैसे आपकी जो ये लोकेशन है आप उस लोकेशन पे पहुंच जाओगे, मतलब एफ वाली लोकेशन पे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एफ लोकेशन में पहुंच चुका हूँ। कितनी बढ़िया चीज़ यहाँ पे है ये पबजी वालों ने दी है हमें, जिसका हम यूज़ करके मतलब बहुत सारे बंदों को किल वगैरह भी कर सकते हैं, एकदम से दूसरी लोकेशन में पहुंच सकते हैं सिर्फ सिर्फ कुछ लुमिनेटर पॉइंट यूज़ करने के बाद। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि यार यहाँ पे जो ये मक्खी है ना, अगर आप सोच रहे हो कि इस मक्खी को यूज़ करके आप बहुत सारी जगह पर घूम लोगे एक एंगल की, पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो आपको ये रेड जोन आपको देखने को मिल रहा है ना, आप यहाँ पे जो ये रेड जोन है इसके बाहर चले जाते हो मक्खी को लेके, तो बेसिकली क्या होगा, जो आपकी मक्खी है ना वो अपने असली रूप में आ जाएगी, बेसिकली आप खुद बन जाओगे यहाँ पे जैसे आप पहले देखने को मिलते थे। ठीक है, तो आप इस तरह से कुछ होने वाला है इसके अंदर। प्लस मैं गाइस आपको एक और चीज बताने वाला हूँ, अगर ब्लू जोन में आप आ चुके हो और ब्लू जोन में आप सोच रहे हो कि यार मैं टेलीपोर्ट का यूज करके सीधा सेफ जोन की लोकेशन में पहुंच जाता हूँ, पर गाइस एक्चुअली में ये चीज नहीं हो सकती क्योंकि ब्लू जोन के अंदर यहाँ पे कुछ भी आपका वर्क नहीं करने वाला। यहाँ पे टेलीपोर्ट को तो छोड़ो यार, टेलीपोर्ट तो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे जितने भी मतलब जो ATM है जहाँ से आप मतलब ल्यूमिनेटर यूज करने का बहुत सारा सप्लाई वगैरह निकाल सकते हो वो भी चीज वर्क नहीं करने वाली। तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं गाइस, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे ही वीडियो में, तब तक ले बाय।